नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का, जैसे कि हम बैक टू बैक मैथ का जो है आपका चैप्टर वाइज प्रश्न करा रहे हैं, तो आज हम देखेंगे हमारा क्लास नंबर जो है वो 4 है, जिसके अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है संक्रियाएँ और प्रगुण, जिसमें हम संवरक, क्रम विनिमय, तत्समक, सहचर, इन सभी को देखेंगे कि इनसे किस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। पिछला वाला क्लास नंबर 3 देखा था हमने, यदि आपने नहीं देखा है सेकंड सेमेस्टर का तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2020 की मैथ की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर इससे पहले के सभी पार्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संक्रियाएं और प्रगुण। बात करने से पहले संख्या रेखा पर आपके कुछ प्रश्न पूछ जाते हैं, जैसे कि जोड़ना या घटाना, तो उसको हम समझ लेते हैं कि कैसे आते हैं, फिर हम इन जो आपका टॉपिक है उसकी बात करेंगे। एक्चुअल में वो सारी चीज़ें इसी चैप्टर में है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट के अंतर्गत संख्या रेखा पर जो है वो योग आपका। संख्या रेखा पर योग आपसे यदि पूछा जाए, और कोई दो संख्या ले लीजिए जिसका आपको जोड़ पूछा गया है, जैसे कि आपसे ये कह दिया जाए प्रश्न में कि 2 और 3 जो है इन दोनों संख्याओं का संख्या रेखा पर योग बताइए, तो संख्या रेखा पे वो बताने के लिए इस प्रकार से आपको कोई लाइन खींचनी होगी स्केल से सीधे, फिर यहाँ पर संख्या रेखा बनानी होगी, जैसे कि 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, मतलब इतनी बना लीजिए कि इनको आपको जिसको जोड़ना है तो लगभग उतनी संख्याएं इसमें आ जाएं। लगभग हमने 8 पे बना दी। अब आपको क्या दर्शाना है, 2 और 3 का जोड़ दर्शाना है, योग दर्शाना है। तो जहाँ से आपका पूछा गया है 2 का योग पूछा गया है, तो 2 से ही आप एरो बनाएंगे आगे के लिए। तो 2 के लिए आप 2 से आप पहले 3 पे जाएंगे, फिर 3 से 4 पे जाएंगे। कहाँ तक जाना है, जितना जोड़ना है उतनी संख्या आगे जाना है, यानी 3 जोड़ना है, यानी 3 कदम आप आगे जाएंगे। 1 कदम गए, दूसरे कदम गए, तो तीसरा और जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपका 2+3 किस पर आएगा, 5 पर आएगा। तो ये आपका संख्या रेखा पर जो योग है 2 और 3 का उसे दर्शा देगा। तो इस प्रकार से आप करते हैं, चाहे तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिख सकते हैं। नीचे एक्सप्लेनेशन करके आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ पर 2 से जो है वो स्टार्ट किया, यानी कि जितना आपसे योग पूछा गया है 2 और 3 का, तो 2 जो है आपने सबसे पहले वहीं से मान लिया, उसमें जितना संख्या आपको जोड़नी है उतने ही आप स्टेप आगे बढ़े, पहले दूसरे और तीसरे। तो इस प्रकार से आप नीचे लिख भी सकते हैं। तो ये आपका होता है संख्या रेखा पर योग। अब बात करते हैं संख्या रेखा जो है उस पर घटाना। संख्या रेखा पर घटाना, इसमें क्या है, कोई 2 संख्याएं इसमें भी ले लीजिए, घटाना को ही प्रश्न में आपको व्यवकलन लिखा देखने को भी मिलता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, व्यवकलन को ही हम घटाना कहते हैं। तो जैसे कि प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि 5 माइनस 3 बराबर 2 है, तो इसको आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले तो आप संख्या रेखा बना लेंगे, जैसे मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना काफ़ी होगा, लगभग 8 तक बना लेते हैं, इतना काफ़ी होगा। अब आपको जब यहाँ पर घटाना दर्शाना है तो आप आगे ना बढ़ के पीछे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो कितने में से घटाना है, 5 में से घटाना है, यानी कि 5 पर आप स्टार्ट करेंगे। अब 3 घटाना है तो पहला बैक, दूसरा बैक, तीसरा बैक, यहाँ तक आपको लगाना घटाना है, यानी कि 5 में से 3 घट गया, तो कितना बचा, 2 बचा। तो यही चीज़ आप नीचे लिख भी सकते हैं कि किस प्रकार से आपने संख्या रेखा पर यहाँ पर घटाना बताया है, इसको हम नीचे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। पर आता है जब प्रश्न में तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से चित्र बना देंगे, वो आपके लिए काफ़ी होगा। ये हो गया आपका संख्या रेखा पर घटाना। अब तीसरी चीज़ भी देख लेते हैं, संख्या रेखा जो है उस पर गुणा। गुणा में कोई 2 आप गुणा ले लीजिए, जैसे कि आपका प्रश्न में 2 गुणे 5 पूछ लिया गया है, तो 2 गुणे 5 आपका 10 जाकर होगा, तो आपको जो यहाँ पर संख्या रेखा खींचनी है वो 10 तक के लिए बनानी है, क्योंकि 10 तक आप दर्शाएंगे, 10 से 1 एक्स्ट्रा ही बना लीजिएगा, वो काफ़ी होगा। 1, 2, 3 इसी प्रकार 4, इसी प्रकार 5, इसी प्रकार 6, इसी प्रकार 7, इसी प्रकार 8, इसी प्रकार 9 और इसी प्रकार 10। एक पॉइंट और आगे हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 11। अब आपको क्या दर्शाना है, 2 का 5 में गुणा। तो जहाँ से यानी कि जिसका गुणा करना होता है, हम अभी तक यानी कि प्लस और माइनस में ही देख रहे थे, वहीं से स्टार्ट करते थे, पर यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 से प्रारंभ करना है और दाईं ओर डायरेक्ट उस नंबर पर बढ़ना है जिसका गुणा पूछा गया है,
यानी कि दो से पूछा गया पांच का। अब दो में किसका पूछा गया? पांच का, यानी कि आपको क्या करना है, 10 तक ले जाना है और दो दो का गैप करके, कि 2 5 10 होता है, तो पहले आप दो एक बार बढ़ेंगे तो एक बार हो जाएगा, यानी इसको आप इस प्रकार से ब्रेक करिए तो समझ में आपको आएगा। यानी कि 2 × 1 करेंगे, फिर 2 × 2 करेंगे, फिर 2 × 3 करेंगे, फिर इसी प्रकार 2 × 4 करेंगे और लास्ट में 2 × 5 करेंगे। तो 2 × 5 पूछा गया है, तो 2 × 2 का मतलब अब आप दो आगे बढ़ेंगे। इसे डैश डैश करके बनाइएगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसी प्रकार आप दो फिर से आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार आप लास्ट में 10 तक आ जाएंगे। तो ये आपका जो तरीका होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन का, 2 × 5 जो है बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको इस प्रकार से बनाना है। प्रश्न आपका पूछा जाए, इससे आना पूछा जाए, पर आपके कोर्स में था इसलिए आपको आना जरूरी है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन चैप्टर था, संक्रियाएं और प्रगुण। तो सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ में, यानी कि पूर्ण जो संख्याएं हैं उसके प्रगुण, जोड़ के प्रगुण, पूर्ण संख्याओं के जोड़ के प्रगुण। अब इसके अंतर्गत आपके अलग अलग आते हैं, उनको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि वहां से एक ना एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो जोड़ के प्रगुण में सबसे पहला आपका आता है योग, जो है इसका संवरक प्रगुण, योग का संवरक प्रगुण। इसकी डेफिनेशन नहीं आपसे पूछी जाती कि इसके बारे में लिखे, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, केवल समझना है। योग का संवरक प्रगुण क्या होता है? जब दो कोई पूर्ण संख्याएं जो है उनका योगफल क्या हो, सदैव पूर्ण संख्या होती, ये इसके अंतर्गत होता है। जैसे कि आप दो ले लीजिए संख्या, जो आपकी एक पूर्ण संख्या है, प्लस 3, ये भी आपकी पूर्ण संख्या है, बराबर जो मान आएगा वो 5 आएगा, ये भी आपकी एक पूर्ण संख्या है। तो ये आपका क्या है, ये आपका योग का संवरक प्रगुण है, जो क्या कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं या किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग जो है आपका सदैव पूर्ण संख्या ही होती है, ये आपका है योग का संवरक प्रगुण। दूसरा देखते हैं, योग का क्रम विनिमय। देखिए ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रम विनिमय या संवरक, यही चीज यहाँ पर जब आपसे प्लस की जगह माइनस में पूछी जाए या मल्टीप्लाइड में पूछी जाए तो अलग अलग होते हैं, बस ये हेडिंग आपकी नहीं चेंज होंगी, क्रम विनिमय प्रगुण। अब क्रम विनिमय से नाम में समझ में आ रहा है कि क्रम आपस में आगे पीछे जो है वो चेंज किया जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि यदि आप कोई दो संख्या लीजिए 5 और 7 जैसे आप ले रहे हैं, तो इसका मान कितना होगा, आप कहेंगे 12 होगा। इन्हीं संख्याओं को यदि आप पलट देंगे, 7 + 5 करेंगे, तब भी तो आपका मान 12 होगा। तो योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने से अपरिवर्तित रहता है या परिवर्तित जो है वो नहीं होता है। तो ये आपका है क्रम विनिमय प्रगुण। संवरक में क्या था कि अलग अलग आपकी पूर्ण संख्या है, तो जोड़ने पर प्राप्त संख्या भी पूर्ण संख्या ही होती है। पर जिनको पूर्ण संख्या नहीं पता है वो भी मैं बता दूं कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है 1 2 3 4 अनंत तक, उसी में जब आप शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तब आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है, और जब माइनस वाली की संख्याएं शामिल कर लेते हैं तो पूर्णांक संख्या हो जाती है। तो पूर्ण संख्या क्या है, जिसमें 0 भी और 1 2 3 वाली सारी गिनती भी हो। तो ये दोनों हमने देखे। अब देखते हैं हम तीसरा, चलिए इसको रब कर देते हैं। तीसरा आपका क्या है, तीसरा है आपका तत्समक अव्यय। योग जो है इसका तत्समक अव्यय, अब इसको समझिए। ये कहता है कि कोई भी पूर्ण संख्या है उसमें यदि आप 0 को जोड़ते हैं, 0 को जोड़ते हैं, तो संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए 7 है, इसमें आप 0 जोड़ेंगे तो 7 ही तो आएगा। 10 है, 10 में आप 0 जोड़ेंगे तो 10 ही तो आएगा। तो यही ये कहता है योग का तत्समक अव्यय कि किसी भी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ने पर संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण जो 0 है इसको योग का तत्समक अव्यय कहते हैं, 0 को योग का तत्समक अव्यय कहते हैं। यहीं से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि योग का तत्समक अव्यय इनमें से कौन सा है। 0 एक अलग से ऐसे ऑप्शन में दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि 0 को कहते हैं। देखते हैं अपना चौथा पॉइंट। चौथा है योग जो है इसी का सहचर्य प्रगुण। अब इसको समझिए क्या होता है, योग का सहचर्य प्रगुण। इसमें ये कहता है कि
किसी भी तीन संख्याओं को आप ले लीजिए। इस प्रकरण में कहा जाता है कि तीन संख्याओं के योग में कोई दो संख्याओं का योग पहले निकाल लेने में इसमें तीसरी संख्या का योग करने पर योगफल में कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, 3 2 + 3 + 4 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे इसको यहीं से समझिए। कहने का मतलब कि स्टार्टिंग के दो संख्याएं आप पहले जोड़ लीजिए, तो 2 3 कितना होगा, आप कहेंगे 5 होगा, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपका मान कितना आएगा, 9 आएगा। सेम चीज़ यहाँ पर इन्होंने ये कह दी है कि आप लास्ट के दो पहले जोड़ लीजिए, 3 और 4 को आपस में जोड़ लीजिए, तो 3 4 कितना होगा, 4 5 6 7 होगा, और उसमें 2 जोड़िए तब भी आपका 9 आएगा। ये इनका कहने का मतलब है कि तीन संख्याओं में आप पहली दो संख्याएं जोड़ के उसमें तीसरी संख्या जोड़ लीजिए, या लास्ट की दो संख्याएं जोड़ के उसमें पहली संख्या जोड़ लीजिए, तो आपका जो मान है वो जो है वो नहीं बदलता है, योगफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो है वो योग का सहचर्य प्रगुण जो है वो कहता है। समझ में आपको आ गया होगा। और अब देखते हैं हम घटाने के संबंध में। अभी तक हमने जो देखे वो सब योग थे, अब देखिए हेडिंग नहीं चेंज होगी। जैसे कि अब यहीं पर क्या हो जाएगा, घटाने का तत्समक अवयव, या कह सकते हैं घटाने का सहचर्य प्रगुण, तो इसी प्रकार से आपका हो जाता है। बस एक दो पॉइंट जो बदलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो योग का आपने चारों चीजें देख ली, आप चाहें तो अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं घटाने की। घटाने में समझिए सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला आपका हो जाएगा घटाने का संवरक प्रगुण। मैं घटाने यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, केवल डायरेक्ट संवरक प्रगुण जो है वो लिख देता हूँ। दूसरा मैं चारों यहीं पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए एक साथ। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जो हमने देखा था घटाने में तत्समक अव्यय, क्या हमने देखा था, तत्समक अव्यय। इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम क्या है, वो नाम है इसका शून्य जो है उसकी तत्समकता। पर आप एक ही जैसे नाम याद रखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तीसरा आप क्या घटाने में देखेंगे, तीसरा आप देखेंगे क्रम विनिमय। आप चाहें तो इसका सीरियल चेंज कर सकते हैं, इसको हम दूसरा कर लेते हैं और इसको तीसरा कर लेते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमने वहां पर देखा इससे पहले वाला, उसी सीरियल से इसको भी देख लेते हैं। क्रम विनिमय हो गया। और चौथा आपका क्या था, इसको दूसरा लिख देते हैं। चौथा आपका क्या था, चौथा था आपका सहचर्य प्रगुण लिख सकते हैं, या डायरेक्ट सहचर्य भी लिख सकते हैं। तो ये चार हैं, हम इनमें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संवरक की। हमने जोड़ में क्या देखा था कि जो दो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका जोड़ भी एक पूर्ण संख्या होती है। तो घटाने में क्या है संवरक प्रगुण में, कि आपकी कोई भी दो पूर्ण संख्या है उनका जो अंतर होता है वो भी आपकी जो पूर्ण संख्या है वो नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने एक संख्या ले ली 4, एक संख्या माइनस की ले ली, क्योंकि माइनस की बात कर रहे हैं घटाने की, तो इसका मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे माइनस का 3 आएगा। तो क्या माइनस की 3 एक पूर्ण संख्या है, आप कहेंगे नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया पूर्ण संख्या की 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 इस टाइप से होती है। तो जो माइनस की संख्याएं होती है -1 -2 ये सभी आपकी पूर्णांक होती हैं, इसलिए आपका ये जो है यहाँ पर लागू नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा, कंपैरिजन से आप याद करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं संवरक प्रगुण में, कि किन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर है घटाना है वो सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। सदैव वर्ड आप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यदि आप यहाँ पर संख्या एक बड़ी ले लीजिए 5 और एक छोटी ले लीजिए 2, इसमें से आप घटाएंगे 3, तो घटाने पर ये तो आपकी एक पूर्ण संख्या आ रही है, यानी आ भी सकती है पर सदैव नहीं आएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यदि माइनस की संख्या है तो नहीं आएगी। अब बात करते हैं, इसको तीसरे नंबर कर देते हैं, दूसरे नंबर की, यानी कि क्रम विनिमय की। क्रम विनिमय में क्या है, जैसे कि आप 3 में से 5 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, -2 आएगा। अब इसी में क्रम पलट देंगे तो 5 में से आप 3 घटाएंगे तब आपका कितना आएगा, तो 2 आएगा। अब देख रहे हैं दोनों मान अलग अलग हैं, यानी कि घटाने की संक्रिया में जो पूर्ण संख्या है उसके लिए क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। समझ में आपको आ गया, मान यहाँ पर दोनों बराबर नहीं आ रहे, जोड़ में तो आते थे, 2 में 3 जोड़िए तब भी आपका 5 आएगा, 3 में 2 जोड़िए तब भी 5 आएगा, पर क्रम विनिमय में लागू नहीं होता है। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और अच्छे से अच्छे मैं आपके लिए समझा सकूँ। वैसे भी इतनी सारी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है।
तो चलिए अब देखते हैं हम तीसरा वाला पॉइंट, तत्समक अव्यय। तत्समक अव्यय को समझते हैं क्या होता है। तत्समक अव्यय में मैंने क्या बताया था कि किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ में मैंने बताया था कि शून्य को जोड़ देते हैं संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर घटाने में यदि आप तत्समकता को देखेंगे तो पांच में से आप जीरो घटाएंगे तो कितना मान आएगा, आपका पांच आएगा। पर यदि आप यही चीज पलट के देखिए, जीरो में से पांच आप घटाएंगे तब आपका कितना आएगा, तब आपका माइनस पांच आ रहेगा। यानी कि ये आपकी माइनस पांच एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए जीरो तत्समक अव्यय जो है वो नहीं है। जोड़ में मैंने क्या बताया था कि किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ में जीरो जोड़िए तब भी सात आएगा, जीरो में सात जोड़िए तब भी आपका सात आएगा, और जो शून्य है उसी को योग का तत्समक अव्यय कहते हैं, पर यहाँ पर ये लागू नहीं होता है। सहचर्य प्रकरण में बात करते हैं। सहचर्य में क्या था, तीन हमने नंबर लेके बताया था कि सात स्टार्टिंग के दो जोड़ लीजिए पहले, बाद में तीसरा जोड़िए, या लास्ट के दो जोड़ लिए पहले और उसके बाद जो पहला वाला है वो बाद में जोड़िए। पर यही चीज यदि घटाने में देखेंगे तो आपका कैसे लागू होगा उसको समझते हैं, लागू होगा कि नहीं। जैसे कि सात माइनस पांच और माइनस आप तीन करिए, अब इसी में क्या करिए, सात माइनस से पांच को ऐसे रखिए, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस तीन, अब देखिए क्या दोनों का मान एक समान आएगा। अब सात में से आप पांच घटाएंगे तो दो बचेगा, और दो में से तीन घटाएंगे तो आपका माइनस का एक बचेगा, माइनस का एक बच रहा है। यहाँ पर देखिए पांच में से तीन घटाएंगे तो दो बचेगा, और स्टार्टिंग में सात है तो सात में से दो घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका पांच बचेगा। तो दोनों मान अलग अलग है, यानी कि यहाँ भी लागू नहीं होता है। आप क्या कह सकते हैं कि घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए सहचर्य जो है ये नहीं है, जब घटाने की बात की जाएगी। तो आपने समझ लिया घटाने के संबंध में, जोड़ में समझ लिया, बस ये चार जो मेन पॉइंट हैं इनको बस आपको याद के रखना है, ताकि आपका प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप जो है वो गलत ना करें। मैं ये सारी चीजें रफ कर देता हूँ, हेडिंग हेडिंग जो है यहाँ पर लिखे रहने देता हूँ। और उसके साथ साथ जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के जो छात्र हैं, आप वीडियो को उनके साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिए, ताकि जो लाइव टाइमिंग है, ये वीडियो हम देखते हैं दोपहर 3 बजे जो है वो लाइव, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसमें जुड़ सकें, और आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको जो है वो इंटरेस्ट आएगा। तो कोशिश कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस अवश्य कीजिए, तभी मैथ आपको आएगी। अब यहाँ पर हम घटाना चेंज कर देते हैं, और घटाना की जगह हम क्या ले लेते हैं, गुणा या गुणन कह सकते हैं। अब संवरक जो प्रगुण है इसके अंतर्गत हम देखते हैं गुणन का संवरक प्रगुण। तो गुणन का संवरक जो प्रगुण है उसकी बात करें तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि कोई दो संख्याएं ले लीजिए, जैसे कि दो और पांच, इसका गुणा आप करेंगे 10 ही आएगा। संख्या को आप पांच से दो को गुणा करेंगे पलटने के बाद, तब भी आपका 10 ही आएगा। क्या कह सकते हैं यहां से कि दो पूर्ण संख्याओं के गुणन का क्रम बदलने पर जो है आपका, नहीं ये मैंने आपको क्रम विनिमय वाला बता दिया, तो ये क्रम विनिमय में हम देखेंगे। इतने तो आप केवल पूर्ण संख्या देखेंगे, यानी दो संख्याएं जो है इनको गुणा करने पर, ये आपकी एक पूर्ण संख्या है, ये भी आपकी एक पूर्ण संख्या है, प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे पूर्ण संख्या 10 है। यानी कि संवरक प्रगुण में आप कहेंगे कि जो संख्या प्राप्त संख्या है वो भी आपकी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणन जो है उसके संवरक के नियम का पालन करते हैं। ये जो मैं अभी तक सारी चीजें बता रहा हूँ ये आपकी हैं पूर्ण संख्याओं पर आधारित। इसके बाद का जो आपका चैप्टर है वो पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर आधारित है, तो इसी प्रकार आप पूर्णांक संख्याओं पर भी चेक कर सकते हैं। ये चीज अवश्य ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में आपको दिया होगा कि गुणन का जो तत्समक अव्यय है या कुछ भी है, तो वो पूर्ण संख्याओं पर चेक करना है कि पूर्णांक पर चेक करना है, वो ध्यान रखिएगा। दोनों को आपस में मिक्स ना करिएगा। ऐसा नहीं कि केवल पूर्ण संख्याओं पर ही बेस्ड है समरक प्रगुण, आप से किसी भी संख्याओं पर आधारित पूछा जा सकता है, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित भी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संख्याओं का समरक प्रगुण बताइए, तो कंफ्यूज ना होइएगा। दूसरा देखते हैं क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय मैंने आपको बताया कि दो को पांच से आप गुणा करेंगे 10 आएगा, क्रम पलट देंगे 5 गुणे 2 10 आएगा, तो देखिए आपका समान मान आ रहा है।
तो हम क्या कह सकते हैं, दो पूर्ण संख्याओं के गुणन का क्रम बदलने पर उसके जो परिणाम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए पूर्ण संख्याएं गुणन के क्रम विनिमेय नियम का पालन करती हैं। अब बात करते हैं तीसरे की, यानी कि तत्समक अवयव की। तत्समक अवयव की बात करें तो शून्य से गुणा करके मैंने आपको यहाँ पर देखा है, यानी कि जैसे कि इससे पहले मैं शून्य से जोड़ कर देखा, घटा कर देखा, यहाँ पर भी दो को जीरो से गुणा करेंगे तो भी आपका जीरो आएगा। कोई भी संख्या आप कह सकते हैं शून्य से गुणा करने पर शून्य ही आपका जो है वो आता है। तो कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं में किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। ये आपका एक्चुअल में तत्समक अव्यय में ना दे करके आपका गुणन शून्य का गुणन प्रगुण करके अलग से भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शून्य का गुणन प्रगुण पूछ रहा है तो जीरो से गुणा करने पर तो जीरो ही आता है, उसमें आप लिख सकते हैं। और जो तत्समक अव्यय है इसमें गुणन में यदि बात करें तो अलग से आपको दे रखा होता है, और वो होता है एक के संबंध में, यानी कि जीरो को आप एक से गुणा करेंगे तो भी आपका जीरो आएगा, एक को एक से गुणा करेंगे तो आपका एक आएगा, एक को आप दो से गुणा करेंगे तो आपका दो आएगा। कहने का मतलब क्या है कि पूर्ण संख्याओं में किसी संख्या में एक से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि एक जो है आप उसको गुणन का तत्समक जो है वो कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, गुणन का तत्समक अव्यय। जैसे कि शून्य में हमने देखा था, यानी कि जिससे पहले वाले में जोड़ वाले में देखा था कि जो शून्य है उसको योग का तत्समक अव्यय कहते हैं। बस यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा कि गुणन की जब बात की जाए तो एक को तत्समक अव्यय कहते हैं गुणन में, उसमें जीरो को, जोड़ वाले में इसमें जो है वो एक को, क्योंकि यहीं से आपके बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब देखते हैं हमारा सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण में सेम वही आप क्या करेंगे, आगे पीछे चेंज करके देखेंगे। जैसे कि आप 5 × 3 × 4 कर लीजिए, अब इसी का ही स्टार्टिंग के पहले गुणा कर लीजिए, 5 × 3 = 15, और उसको 4 से गुणा करेंगे, या फिर स्टार्टिंग के आप छोड़ के 3 × 4 कर लीजिए, तो भी दोनों अवस्थाओं में मान आपका 60 ही जो है वो आएगा। गुणा में आप क्या कह सकते हैं कि किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में यदि किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल को अन्य तीसरी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में कोई भी अंतर जो है वो नहीं आता है। 5 × 3 = 15 होता है, 15 × 4 = 60 होता है, तो 60 दोनों में ही आएगा, तो ये आपका गुणन का सहचर्य प्रगुण जो है वो हो जाएगा। अब भाग का भी देख लेते हैं, और फिर हमें वितरण नियम करके भी पूछा जाता है प्रश्न, वो भी देखेंगे। तो भाग का देखने के लिए अब हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने 3 बार चीजें देख ली हैं, अब हम आपको ऐसे ही बताते हैं। जैसे संवरक प्रगुण में देखिए, कोई आप संख्या ले लीजिए, जैसे कि आप 5 और 6 ले लीजिए, फिर कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, 2 और 5 ले लीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि प्रत्येक दिशा में भाग करने पर प्रथम पूर्ण संख्या का दूसरे से या दूसरे का पहले से किसी भी प्रकार से करेंगे तो आपका समान नहीं आएगा, या पूर्ण संख्या आपकी नहीं आएगी भाग देने पर, तो भाग में आपका समवर्ग प्रगुण जो है वो लागू नहीं होगा। फिर बात करते हैं शून्य के संबंध में, क्योंकि आपका तत्समक अवयव हम देखते हैं, पर भाग में आपके सभी क्रम विनिमेय सहचर प्रगुण नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि 2 को आप 5 से भाग देंगे, 5 को 2 से भाग देंगे तो कभी समान नहीं आएगा। सहचर में भी 1 को दूसरे से भाग देंगे, फिर दूसरे को तीसरे, तो वहां भी समान नहीं आएगा, तो तीनों बार जब अलग अलग ही आएगा, तो इसलिए हम वहां पर भाग वाले प्रगुण इसमें नहीं देखते हैं, केवल आपका जो समवर्ग वाला प्रगुण है वो हम यहाँ पर देखते हैं। यहीं पर इसको इरेज कर देते हैं। भाग में आपका एक पूछा जाता है एक से भाग के संबंध में, वो मैं बता देता हूँ। पूर्ण जो संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं में एक से भाग, ये जो है आपका होता है। जैसे कि आप कोई संख्या ले लीजिए, 5 को आप 1 से इस प्रकार से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। सेम चीज आप यहाँ पर देखेंगे, 8 को आप 1 से इस प्रकार से भाग देंगे तो 8 आएगा। कोई भी आप इस प्रकार से संख्या लेंगे, यानी आप क्या कह सकते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर भागफल वही हमें प्राप्त होता है। ये आपका इस भाग के अंतर्गत आता है, जिसे हम पूर्ण संख्याओं में एक से भाग के नाम से जानते हैं। तो सभी मैंने बता दिए जो जो आ सकते थे। 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि लास्ट में हम बता देंगे गुणन के संबंध में, एक आपका गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम और एक गुणन का घटाने पर वितरण नियम, दोनों को समझ लीजिए। सबसे पहले हम देखें गुणन, हेडिंग लिख देते हैं ताकि आपको चीजें जो है वो समझ में आए, आपस में खिचड़ी ना लगे। गुणन संक्रिया जो है का योग पर वितरण
नियम, और दूसरा आपका क्या है, गुणन जो है संक्रिया का योग की जगह केवल घटाना हो जाएगा, घटाने पर वितरण नियम, बाकी सारी चीजें सेम है। अब इसको समझिए, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम ये कहता है, जैसे कि संख्या को जिस प्रकार से लिखी, 3 गुणे ब्रैकेट में आपका लिखा है 4 प्लस 5, तो इसको गुणा करने का प्रोसीजर क्या होता है वो समझिए। मल्टीप्लीकेशन एडिशन में सबसे पहले बॉड मास में क्या आता है, आपका मल्टीप्लीकेशन आता है, आप जानते हैं। तो आप 4 और 5 को जोड़ेंगे नहीं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को 4 से पहले करते हैं, फिर 3 को 5 से करते हैं, यानी इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, 3 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 5, 4 तिया 12 होता है, 5 तिया 15 होता है, 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 आपका हो जाएगा। तो ये आपका तरीका होता है गुणन संख्या का योग पर वितरण नियम। वितरण जब आप वर्ड देख रहे हैं बांटना किसी चीज को, तो ये आपका वितरण नियम होता है। इसमें आप क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम आपका होता है। हम यही अभी तक देखते हैं कि कहाँ पर लागू होता है कहाँ पर नहीं। अब बात कर लेते हैं घटाने के संबंध में। तो जैसे कि 2 गुणे यहाँ पर कोई संख्या ले लीजिए, माइनस में 5 माइनस 7 कर लीजिए। अब इसको देखिए, 2 को आप 5 से गुणा करेंगे 2 5 जा होता है 10, माइनस करेंगे 2 को 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी होता है 14, तो बराबर में आएगा माइनस का 4। अब यही चीज आप क्या करिए, आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कीजिए, यानी कि 5 में से 7 को आप घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2, और बाहर तो आपका 2 ऑलरेडी था, 2 गुणे माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4। दोनों ही कंडीशन में आपका मान बराबर है, यानी यहाँ भी आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण नियम होता है। यहाँ पर भी आप ये चीज करके दिखा सकते थे कि 5 और 4 को आप जोड़ लीजिए 9, और बाहर तो ऑलरेडी 3 था, 3 9 का होता है 27, दोनों का मान बराबर आ रहा है, यानी कि वितरण नियम यहाँ भी लागू होता है। इस प्रकार से आप करेंगे तो ज्यादा अच्छे से जो है आपको समझ में आएगा। सारी चीजें हमने देख ली, अब हम देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। इतनी चीजें आपने पढ़ तो ली, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। तो आपसे कोई संख्या लिखी होगी, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि 3 और 3 बराबर 6 होता है, आप सभी जानते हैं, तो स्टेटमेंट लिखा होगा कि निम्नलिखित में से किस नियम का वो पालन करता है। ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे, जैसे कि योग जो है इसका तत्समक अव्यय, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। दूसरा ऑप्शन होगा आपको योग जो है इसका संवरक प्रगुण। तीसरा ऑप्शन होगा आपका कि योग जो है इसका क्रम विनिमय, और चौथा होगा योग जो है उसका सहचर। हो गया आपका, इनमें से यहाँ पर कोई नहीं लिख देते हैं, चलिए इतना, इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रकार से आपको छांटना होगा। बहुविकल्पी में आपके प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब मैंने क्या बताया था उसको सोचिए और इसको टिक करिए। बात करते हैं उत्तर की। तो आपको मैंने सबसे पहला वाला योग का बताया था, योग का संवरक प्रगुण। क्या बताया था उसमें कि एक संख्या जो कि ऑलरेडी पूर्ण संख्या है, उसमें आप एक पूर्ण संख्या जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या सदैव आपकी एक पूर्ण संख्या ही होगी। यही आपका कहता है योग का संवरक प्रगुण। अब संवरक प्रगुण आपको मैंने ऑप्शन नंबर 2 में दिया था, यही आपका बिल्कुल सही होगा। ये आपका संवरक प्रगुण है, सहचर नहीं है, संवरक प्रगुण। तो समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। एक प्रश्न आपका वितरण पर भी पूछा जाता है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। और क्या करेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपको भी देंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे इतना एक प्रश्न पूछते हैं। तो 3 गुणे 4 प्लस 5 ये आपका प्रश्न होगा। अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसका मान जो है वो किसके बराबर जो है वो होगा। 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे आपको, 3 गुणे 4 प्लस 5 के बराबर होगा, दूसरा ऑप्शन होगा 3 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 5 के बराबर होगा, तीसरा ऑप्शन होगा आपका कि 3 प्लस 4 गुणे 5 के बराबर होगा, चौथा ऑप्शन होगा आपका 4 गुणे 3 गुणे 5 के बराबर होगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान निकालेंगे और इसमें से 4ों से मान निकालेंगे और देख लेंगे कौन सा जो है वो उनका फिट बैठ रहा है। बस वहां पर आप गलती क्या कर देते हैं, जो वितरण नियम हमने पढ़ा है उसकी अनदेखी कर देते हैं, बस वही आपका गलत हो जाता है।
तो छांटना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आप देखेंगे तो तीन को सबसे पहले चार से गुणा किया गया है, फिर तीन को पाँच से गुणा किया गया, और यही मैंने बताया था इस प्रकार से आपका वितरण नियम जो है उसमें गुणा जो है वो होता है। तो यही आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं एक प्रश्न जिसमें पुष्टि करने को आपको आता है, तीन आपको अंक जो है वो दिए होंगे, जैसे कि एक आपका दे रखा है 6, एक आपकी संख्या 9 दे रखी है और एक 11 दे रखी है। प्रश्न में क्या लिखा होगा, इसके आगे पूर्ण लिखा होगा या पूर्णांक लिखा होगा, कुछ भी लिखा जा सकता है। चलिए हम पूर्णांक देख लेते हैं। लिखा होगा इन पूर्णांक को लेकर आपको सहचर नियम की पुष्टि जो है वो करनी है। सहचर नियम की पुष्टि जो है वो कीजिए। अब आप क्या करेंगे, अभी अच्छा आपने पूर्णांक नहीं पढ़ा है, पूर्ण संख्या में पढ़ा है, तो यहाँ पर पूर्ण ही कर लेते हैं, तो वही आप यहाँ पर फॉलो कर देंगे पूर्ण संख्या जो है इनको लेकर। तो आप सहचर नियम में आपने क्या पढ़ा कि स्टार्टिंग की आप दो संख्याएं ले लीजिए 6 गुणे 9, इनको आप आपस में गुणा कर लीजिए, और लास्ट वाली जो संख्या है उसको अलग से गुणा कीजिए, बराबर लिखिए। सेम चीज यहाँ पर अलग से कहिए कि 6 को पहले अलग रख लीजिए, 9 गुणे 11 कीजिए और इसका मान अलग निकाल लीजिए। अब दोनों का मान निकालेंगे आप कैसे, आप गुणा करेंगे 6, 9 और 11 को, तीनों को, तो दोनों ही बार में आपका समान उत्तर आएगा 5, 9, 4। यहाँ भी आएगा 5, 9, 4, यहाँ भी आएगा। नीचे आप स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि जो आपका गुणा का सहचर नियम है वो क्या कहता है कि किन्हीं तीन पूर्ण संख्याएं जो है उनके गुणनफल में किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल जो है उसको अन्य तीसरी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में कोई भी आपका अंतर जो है वो नहीं आता है। इससे आपके गुणन के सहचर नियम की पुष्टि जो है वो होती है। समझ गए आप होंगे किस प्रकार से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक प्रश्न वो हम देखते हैं जो आपका आता है वितरण नियम से ही प्रश्न आता है आपका, और उसमें लिखा क्या रहता है कि वितरण नियम से इस प्रश्नों को जो है वो कीजिए। इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि वितरण नियम से मान जो है वो ज्ञात कीजिए, और प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से दिया होगा 487 × 1008। अब आप ये सोचेंगे वितरण नियम में तो हमने अभी तक देखा था कि आपका ए इंटू बी इंटू सी होता है और उसमें आप मल्टीप्लाइड अलग अलग करते थे, पर यहाँ पर तो दो ही संख्या है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको बनाना होगा इसे वितरण नियम की तरह, यानी 487 को डायरेक्ट 1008 से आपको गुणा नहीं करना है, आपको 487 को ऐसे ही रखने देना है। 1008 आप देख रहे हैं 1000 के नजदीक है, 487 तो आपका बहुत दूर है 500 के भी और 1000 के भी, या इधर साइड आप देखेंगे तो भी। तो 1008 को आप चेंज कर सकते हैं किस प्रकार से, 1000 + 8। दूसरा रीजन ये भी है इसको चेंज करने का कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो गुणा करने में आपको आसानी होती है। अब वही आपको पैटर्न मिल गया वितरण नियम वाला कि आप इसको पहले वाले से गुणा करेंगे, इसको दूसरे वाले से गुणा करेंगे, यानी कि 487 × 1000 एक बार करेंगे, प्लस लगाएंगे 487 × 8 करेंगे। अब इसको आप गुणा कर लीजिए 487 में, 1000 से गुणा करेंगे तो 487 तो आपका आएगा ही आएगा, साथ में 3 जोड़ो और लग जाएंगे, प्लस करेंगे 487 को 8 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3896, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तब आपका मान आ जाएगा 4908 96। बाकी जोड़ घटाव तो आप कर ही लेंगे। मेन आपको क्या करना है, मेन आपको इतनी सी चीज समझनी थी कि 1008 को आपको इस प्रकार से तोड़ लेना है 1000 + 8 में, ताकि प्रश्न को जो है आप कर लें। एक और प्रश्न हम इसी वितरण नियम पर देखते हैं, और उससे क्या होगा थोड़ा सा ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 998 × 436, अब देखिए 436 तो आपका 400 500 दोनों से दूर है, तो 998 आपका 1000 के नजदीक है, परंतु ये 1000 से कम है, तो अब आपको इसको किस प्रकार से तोड़ना है, 1000 में से 2 घटा कर भी तो आप 998 बना सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं, और बाकी 436 को आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब यही चीज़ फिर से करना है, तो 436 को इससे एक बार गुणा करना है, एक बार इससे गुणा करना है, तो
436 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 436 और साथ में 3 जीरो आएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि अंदर माइनस था। 436 को 2 से गुणा करेंगे तो 436 का डबल कितना होता है, 872 होता है। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए तो आपका जो मान आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो घटाने पर आपका आएगा 435 128, ये जो है आपका घटाने पर आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने समझा कि वितरण नियम से इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, बस आपको यहाँ पर ब्रेक करना ध्यान रखना है। डायरेक्ट आप 998 को 436 से गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर मान तो आपका सही आएगा, जब प्रश्न में जो शर्त दे रखी है उसको आप पूरा नहीं करेंगे तो वो आप गलत कर देंगे। चलिए सभी टाइप देख लिए, सभी प्रश्न देख लिए, अब एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है, और सभी लोग अपना उत्तर अवश्य दीजिएगा ताकि समझ में आए कि कितना आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, गलत सही जो भी आपको पता हो ट्राई अवश्य कीजिए। यही जो है आपको मैथ लाने के लिए कह सकते हैं प्रेरित करेगा। बहुत लोग स्टार्टिंग में ही डरते हैं कि मैथ नहीं आती मैथ नहीं आती, आप प्रैक्टिस करेंगे तब तो आपको मैथ आएगी। तो चार ऑप्शन भी दे रहे हैं यहाँ पर, आपको योग का तत्समक अव्यय जो है वो छांटना है। ए ऑप्शन आपका 1 है, बी ऑप्शन आपका माइनस का 1 है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर 5 दे रखा है, और डी ऑप्शन आपका 0 दे रखा है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, ये हम एक फिर से रिवीजन स्टार्ट करा रहे हैं। यदि कंप्लीट कोर्स आपको देखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, कमेंट कीजिएगा मैं एक साथ सभी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम से जुड़कर सभी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आप कॉपी भी कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी भेज रखी है। और फिर भी यदि आपको ना मिले तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बालाजी स्टडी अड्डा सेकेंड सेमेस्टर फास्ट रिवीजन या बालाजी स्टडी अड्डा सेकेंड सेमेस्टर वन लाइनर क्वेश्चन या बालाजी स्टडी अड्डा सेकेंड सेमेस्टर राजन एमसीक्यू, कुछ भी आप सर्च करेंगे बालाजी स्टडी अड्डा नाम आगे लिख लीजिएगा सेकेंड सेमेस्टर के साथ, तो आपको सभी वीडियो जो है वो पूरी प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, प्रयास हमारा थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल से अवश्य जुड़ लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार पेपर के अंतिम दिन तक आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।